आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक एडोलेसेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अभी आज मेरे पास में एक बच्चे को लाया था, उम्र 18 साल की, माँ बाप ने लाया, एक लड़का एक लड़की। लड़की अच्छी है, स्कूल में जाती, बराबर पढ़ाई वढ़ाई करती है। ये जो लड़का है, इसको इन्होंने एक ही लड़का घर से, मतलब ऐसा बहुत साल के बाद में हुआ और लड़का है, तो उसकी परवरिश ही बहुत लाड़ प्यार में हुई और बड़े मुश्किल से वो 10th तक गया। और 10th तक अच्छा था, मतलब डेवलपमेंट अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था। 11th क्लास में उसने जाना बंद कर दिया और माँ बाप ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है जाएंगा जाएंगा करके। और 11th क्लास में कभी गया नहीं, और घर में बैठे रहना। बाकी जो बच्चे उनके पास में मोबाइल है, इसने भी मोबाइल लिया, मोबाइल में बहुत खेल खेलना अलग 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 अलग, और घर में बैठे रहना, पढ़ाई नहीं करना, स्कूल में भी नहीं जाना। 11th क्लास हुआ, ऑफकोर्स एग्ज़ाम दिया नहीं 11th में, अभी 12th में जाना चाहिए, 12th में उसका नाम डाल दिया। 11th में कैसा था, अभी उसको एग्ज़ाम में बैठा के पास करवा के ले लिया और अभी 12th में गया। अब 12th में वो उस कॉलेज में गए नहीं, घर में बैठे रहता है, पबजी गेम खेलते रहता है। दोपहर को 3 बजे 4 बजे उठता है, बाद में सब उसका खाना पीना चालू, और रात को फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी कभी रात को सोएगा, रात को गेम्स खेलते रहेगा, अकेला अकेला बैठेगा, किससे बातचीत नहीं करेगा। और उसको कोई छेड़ा तो फिर बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करने का, गुस्सा करेगा, मारने की धमकी देगा, माँ बाप को कभी मारने की धमकी देगा। उसको छेड़ा नहीं तो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठे रहेगा। वैसे उससे बातचीत जब मैंने किया तो बातचीत एकदम ही अच्छी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब उसमें कोई थिंकिंग डिसऑर्डर नहीं, कोई थॉट डिसऑर्डर कुछ नहीं, ना कुछ इमोशनल डिसऑर्डर है, मस्त बातचीत कर रहा है। बोलता है कि हाँ मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं करने का, इच्छा नहीं होती पढ़ाई करने की, इसलिए मैं घर में बैठता हूँ। इसको मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल छीन लिया तो गुस्सा करता है, मोबाइल तो होना ही है। इन शॉर्ट उसका हुआ क्या है कि इसको ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया कि अभी ये जो 17-18 साल की उम्र जो है, इसमें क्या होता है कि हार्मोनल डेवलपमेंट बच्चों की होती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि नहीं अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे किसने कुछ बोलने का नहीं है। 15 साल 16 साल तक, 10वीं क्लास तक अच्छी पढ़ाई करने वाला बच्चा, अच्छा बिहेव करने वाला बच्चा सडनली ऐसा कैसा बन जाता है। हाँ लाड़ प्यार में उसको पढ़ाया, कोई सवाल नहीं, मगर तभी भी ऐसा कैसा बन जाता है, क्योंकि एडोलेसेंट प्रॉब्लम जो है कि उसमें हार्मोनल डेवलपमेंट होते हैं, हार्मोनल चेंजेस काफ़ी सारे हो जाते, उसमें उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरे को सब आता है। पेरेंट्स से कुछ प्रेशर आ गया तो वो रिटेलिएट करता है, बोलता है कि नहीं मेरे को मत बताओ। और फिर कुछ तभी हैबिट ऐसी लग जाती है, हो सकता है कि उसको सिगरेट स्मोकिंग की, तंबाकू की हैबिट, हो सकता है उसको शराब पीने की हैबिट, हो सकता है कि उसको इंटरनेट की हैबिट, मोबाइल एडिक्शंस, या ये जो गेम्स है मोबाइल के अलग अलग, उसकी हैबिट, और फिर वो उसमें हैबिट में बह के जाता है। क्या होता है कि कोई भी हैबिट जो है तो वो एक कोई भी चीज़ जब बार 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 जब करते रहते हैं और उसमें आनंद आते रहता है, तो कुछ आप चीज़ करते हो उसमें आनंद आ रहा, डोपामिन इंक्रीज़ हो रहा, कुछ करते हो आनंद आ रहा, डोपामिन लेवल्स ब्रेन में इंक्रीज़ हो रही है। उससे होता क्या है कि वो बार बार डोपामिन लेवल बढ़ रही है, वो आप एक्टिविटी करें उसकी हैबिट बन जाती। अभी हैबिट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, उसकी हैबिट कैसे तोड़े। माँ बाप एकदम ही सॉफ्ट, नहीं बेटा जाना चाहिए कॉलेज में, नहीं बेटा पढ़ाई करना चाहिए, कोई कठोर उसको बोलने वाला कोई नहीं घर में, वो अपने मन जैसा कर रहा है, और मेरे पास में लेके आया कि इसका करना क्या, मतलब भाई ये बच्चे को डिसिप्लिन बिल्कुल ही नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं है स्कूल में कॉलेज में जाने का, उसको कोई प्रेशर नहीं है कि पढ़ाई करो, उसको ये मालूम है कि अपने को कोई बोलने वाला है नहीं, अपन बैठेंगे आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे जो मर्जी चाहे, उसको जो डिमांड करता है उसको खाने को पीने को मिलता है, मोबाइल है, नेट उसका ख़त्म हो गया तो नेट के पैसे भरते हैं माँ बाप, उसका नेट चालू है और नेट के ऊपर वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो चालू है, और उसको एडिक्शन मोबाइल का हुआ है। माँ बाप अभी कुछ करने को तैयार नहीं, बोलते तुम करो, अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास में ला लिया, बोले ये आपका बच्चा है, अब इसको देखो क्या करना, बोले देखो ट्रीटमेंट इसकी बच्चे की करना ही नहीं मेरे को, मुझे जो ट्रीटमेंट करनी है वो माँ बाप की करनी है। माँ बाप डिसिप्लिन लगाने को तैयार है क्या? माँ बाप उसको उसकी जगह बताने को तैयार है कि उसका काम क्या है? देखो उसको
खाने पीने में फ्री मिलता है, कपड़े लत्ते फ्री मिलते हैं, रहने को फ्री में मिलता है सब, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता। अब बच्चे का, मैं माँ बाप को पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, अब बच्चे का काम क्या है? बच्चे का काम ये कि पढ़ाई करो या कुछ सीखो नया नया। अब माँ बाप उसको वो भी नहीं बोलेंगे, डॉक्टर क्या बोलने वाला है? तो हमको एक्चुअली जो एजुकेशन करनी पड़ती है वो माँ बाप की करनी पड़ती है, साइकोथेरेपी माँ बाप की, काउंसिलिंग माँ बाप की करनी पड़ती है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। नो डिसिप्लिन, एब्सोल्युटली नो डिसिप्लिन, और वो क्या है, प्यार की वजह से। और फिर कुछ लोग ऐसे हो जाते कि नहीं उसको कुछ बोल दिया ना तो फिर वो कुछ कम ज़्यादा कर लेगा, और कम ज़्यादा कर लेगा मतलब सुसाइड कर लेगा। अभी माँ बाप को भी डर है, बच्चों ने ये भी देख लिया अभी कि सुसाइड की धमकी माँ बाप को दे दिया कि माँ बाप कुछ नहीं बोलते, फिर अपने मन जैसा करो। तो एडोलेसेंट प्रॉब्लम में ये भी है कि एक तो माँ बाप को धमकी देना कि मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं निकल जाऊँगा, तो फिर माँ बाप कुछ बोलते नहीं है, और फिर अपने मन जैसा करना। अब ये दुधारी तलवार बोलते हैं हम, दुधारी तलवार मतलब दो एजेड, डबल एजेड स्वर्ड है, उसको धार दोनों तरफ से है। उसको ढीला छोड़ दिया तो भहक जाता है, और कठोर कर लिया हो सकता है कि सच्चे घर से निकल जाएगा या सुसाइड कर लेगा। तो इसका बीच का बैलेंस माँ बाप को करना जरूरी है, और वो हम काउंसिलिंग में करते रहते हैं कि इसका ये बैलेंस कैसे करेंगे माँ बाप, कि भाई कठोर भी रहने का है, प्यार भी देने का है, और एक लिमिट में उसको लाने का है। तो ये काउंसिलिंग में हम करते रहते हैं। काउंसिलिंग में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, फिर हिप्नो काउंसिलिंग करते हैं, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके जरिए काउंसिलिंग करते हैं, उसके जरिए हिप्नोसिस करते हैं, NLP हिप्नोसिस, और माँ बाप को हम काउंसिलिंग करते करते बच्चों को कैसे परवरिश करना है इसके बारे में काउंसिलिंग करते करते बच्चों को अच्छा करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी कि पबजी गेम है या अलग अलग कितने सारे गेम, अभी ब्लू व्हेल अभी बीच में आया था, कितने सारे गेम आ रहे हैं और वो उसमें बच्चे बहते जा रहे हैं। तो एडिक्शन से बच्चों को मतलब बचाना है या उनको दूर करना है तो उसके लिए माँ बाप ने कुछ तो भी कठोर अपने कदम उठाना चाहिए, वो जरूरी है, और उससे बच्चे लिमिट में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।